नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक इन्फॉर्मर में। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो आगामी सीरीज है भारतीय टीम की श्रीलंका सीरीज के बाद होने वाली है, 18 जनवरी से ओडीआई श्रृंखला का शुरुआत होगा, वहीं 28 जनवरी से टी20 श्रृंखला का शुरुआत होगा। उसके लिए भारतीय टीम का ओडीआई और टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड घोषित कर दिया गया है। जो नोटेबल ओमिशंस हैं टी20 इंटरनेशनल और ओडीआई स्क्वाड से, वो हैं अक्षर पटेल और केएल राहुल। अक्षर पटेल और केएल राहुल दोनों फैमिली कमिटमेंट के द्वारा अवेलेबल नहीं थे सिलेक्शन के लिए, इसलिए उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। वहीं बात करते हैं ओडीआई स्क्वाड में, अक्षर पटेल के रूप में के रिप्लेसमेंट के रूप में शहबाज अहमद को टीम में शामिल किया गया है। वहीं अगर केएल राहुल के रिप्लेसमेंट के रूप में बात करें तो केएस भरत एज ए विकेट कीपर बैकअप रहेंगे और फ्रंट लाइन विकेट कीपर रहेंगे ईशान किशन, और नंबर 5 पे आपको खेलते हुए दिखेंगे ओडीआई टीम में। अगर हम बात कर लेते हैं और जो चेंजेज हैं, जो इंजरी के कारण कुछ सिलेक्शन नहीं हो पाए, वो फिर से हैं जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। दोनों ही अभी भी पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाए हैं और उनको टीम में जगह नहीं मिली है। तो जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उनका चोट काफ़ी भारतीय टीम के लिए अब समस्या का विषय बनता जा रहा है, खासकर जिस हिसाब से वो पिछले 6 महीने से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, वो काफ़ी ही चिंता का सबब बनता जा रहा है। और भारतीय टीम को अब बुमराह के बिना ही अपना खेलने का आदत बना लेना चाहिए, उनके अलावा ऐसा बॉलिंग स्ट्रेंथ बनाना चाहिए कि जिस कारण अगर बुमराह मेन मौके पे इंजर्ड हो जाए, क्योंकि अब उनका जो एक्शन है वो जरूर एक चिंता का सबब है, वो लगातार इंजर्ड होते रहेंगे। तो उस एक्शन के कारण अब भारतीय टीम को बिना बुमराह के अपनी एक ऐसी कोर टीम या एक ऐसा बॉलिंग स्ट्रेंथ बनाना होगा जिस कारण उनको एन मौके पर अगर बुमराह इंजर्ड होते हैं तो उसकी कमी न खले, क्योंकि बुमराह जैसा क्वालिटी बॉलर हमेशा आप एकाएक प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, ऐसे क्वालिटी बॉलर्स आपको बनाने पड़ते हैं। तो ये भारतीय टीम के लिए चिंता का सबब है और ये देखना दिलचस्प रहेगा क्या बुमराह आईपीएल तक फिट हो पाते हैं या उनकी इंजरी काफी लंबी चलेगी। वहीं बात करते हैं रविंद्र जडेजा का, उनको टेस्ट टीम में तो जरूर नेम किया गया है, लेकिन उनका भी यही है कि उनका खेलना सब्जेक्ट टू फिटनेस टेस्ट है, लेकिन ओडीआई और टी20 इंटरनेशनल में उनको कंसिडर नहीं किया है। तो मेन ऑलराउंडर के रूप में आपको वाशिंगटन सुंदर दिखेंगे ओडीआई में भी और टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड में, और दोनों में वो खेलते भी दिखेंगे प्लेइंग 11 में। तो अपने इस रिपोर्ट में हम देखेंगे क्या है भारतीय टीम का ओडीआई स्क्वाड, क्या है भारतीय टीम का टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड, कौन कौन से मेन बैटर हैं, कौन से मेन स्पिनर हैं और किस प्लेयर को किया गया है टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड से ड्रॉप। तो अगर हम बात कर लें भारतीय टीम के टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड की, तो एक बार फिर से विराट कोहली और रोहित शर्मा को टी20 इंटरनेशनल टीम के लिए कंसिडर नहीं किया गया है। तो हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, वहीं वाइस कप्तान होंगे सूर्य कुमार यादव। अगर हम ओपनर की बात करें तो ईशान किशन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल के साथ, और बैकअप ओपनर के तौर पे पृथ्वी शाह को इंक्लूड किया गया है। पृथ्वी शाह ने रणजी में काफी जबरदस्त प्रदर्शन किया है, उसका उनको फायदा मिला है। जयशाह का जब ट्वीट आया था तभी उसके संकेत मिल गए थे कि इस बार भारतीय टीम में पृथ्वी शाह की वापसी होती हुई दिखेगी, हालांकि ये खेलते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि फ्रंट लाइन जो ओपनर होंगे, भारत के प्रमुख ओपनर होंगे, वो शुभमन गिल और ईशान किशन होंगे। वहीं बात करते हैं मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर की, तो वहां पे सूर्य कुमार यादव, कप्तान हार्दिक पांड्या, ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा जैसे बल्लेबाज बैटिंग करते हुए दिखेंगे। अगर बात कर लेते हैं ऑलराउंड डिपार्टमेंट की, तो वहां पे वाशिंगटन सुंदर स्पिन ऑलराउंडर के रूप में रहेंगे, लेकिन उनका साथ देते हुए दिखेंगे स्पिनर्स में, मेन स्पिनर्स में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। तो युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव स्पिन लीड करेंगे। वहीं मेन पेसर की बात करें तो अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, शिवम मावी और मुकेश कुमार मेन फ्रंट लाइन पेसर होंगे भारतीय टीम के लिए। अगर बात करें बैकअप विकेट कीपर की, तो संजू सैमसन अभी भी इंजर्ड है, इसलिए उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, जिस कारण जितेश शर्मा को फिर से एक बार अपना जगह बनाने में कामयाब रहे हैं जितेश शर्मा। अगर बात कर लेते हैं वहीं हमने बात कर लिया स्पिन की, पेस डिपार्टमेंट की, तो एक बार पूरे स्क्वाड को नेम कर लेते हैं कौन कौन से प्लेयर हैं। तो हार्दिक पांड्या कैप्टन, सूर्य कुमार यादव वाइस कैप्टन, ईशान किशन विकेट कीपर, ऋतुराज गायकवाड़, देन सुमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, जितेश शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, शिवम मावी, पृथ्वी शाह, मुकेश कुमार। तो अक्षर पटेल फैमिली कमिटमेंट के कारण अनअवेलेबल थे, इसलिए इनको सेलेक्ट नहीं किया गया। वहीं बात करें हर्षल पटेल को, तो उनको टी20 इंटरनेशनल टीम से ड्रॉप कर दिया गया। वहीं ओडीआई स्क्वाड की बात करें तो इसमें केएल राहुल और अक्षर पटेल दोनों फैमिली कमिटमेंट के कारण अनअवेलेबल थे, जिस कारण दोनों को कंसिडर नहीं किया गया। वहीं शहबाज अहमद को अक्षर पटेल की जगह इस टीम में चुना गया। अगर हम बात कर लेते हैं स्क्वाड की देख लेते हैं, तो रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, केएस भरत, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन, वाशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद, सरदुल ठाकुर,
युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मोहम्मद समी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक। तो भारतीय टीम के लिए ओपनर होंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। ईशान किशन नंबर 5 पे बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। केएल राहुल की जगह वहीं विराट कोहली नंबर 3 और नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर। के सूर्य कुमार यादव को फिर से जगह मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर हार्दिक पांड्या ऑलराउंड डिपार्टमेंट संभालेंगे वाशिंगटन सुंदर के साथ। वहीं शहबाज अहमद को बैकअप ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया गया है। तो ये थी भारतीय टीम की ओडीआई और टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप अपना कोविड से ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।